हेलो, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जितने स्टूडेंट्स आ गए ठीक, नहीं आए तो अब नहीं आए ठीक। तो अभी ग्रेविटेशन से स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशन से लिक्विड्स तक ठीक। इसके अलावा अगर कोई टाइम बचेगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारा ही कवर हो जाए, अगर टाइम बचेगा तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन से हमने स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन के अंदर जो ये टॉपिक स्टार्ट है ग्रेविटेशन का जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से स्टार्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर उससे भी पहले न्यूटन का लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल का लॉ, अगर ये मास m है और ये कैपिटल m है और इनके बीच में अगर डिस्टेंस कितने r है, तो स्मॉल m नीचे की तरफ क्या लगाएगा, वेट mg। वेट mg इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। हम सारे डिस्टेंसेस ग्रेविटेशन में कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम बाय आर स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर है सबको। तो आज के बाद अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर यूज करूँ, तो इट मीन्स आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है और बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। तो आज के बाद अगर मैं रिप्लेसमेंट कैपिटल जी एम की स्मॉल जी आर स्क्वायर के इक्वल करूंगा, इसका मतलब ये किसी भी न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कुछ वेरिएशंस हैं। किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट से चेंज होती है, डेप्थ से चेंज होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ से भी चेंज होती है। कैसे? अगर आप अफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हो, तो अगर ये अर्थ है और ये कैपिटल आर है, आप एच डिस्टेंस ऊपर चले गए हो, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, तो यहां पर सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर, और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये स्टेप भी क्लियर है सबको। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गई, तो एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैलिड है जब आप हाइट पर जाते हो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आर स्क्वायर और ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी पॉइंट क्लियर है। और नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, आप ऐसा कर सकते हो, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये भी क्लियर है। और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इज इक्वल टू जी इन टू वन प्लस एच बाई आर रेज टू पावर माइनस टू, और अगर हम बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालें, जी इन टू वन माइनस टू एच बाय आर। ये स्टेप सबको क्लियर है। कैक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट से कैसे चेंज हो रही है, जी डैश इज इक्वल टू जी इन टू वन माइनस टू एच बाय आर। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो जब हम डेप्थ की बात करते हैं, जब हम नीचे जाते हैं अर्थ के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उससे भी चेंज होती है। कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ से ऐसे चेंज हो रही है कि अगर ये सपोज कैपिटल आर है और आप कितना डिस्टेंस नीचे आ चुके हो, एक्स, तो सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना चल रहा है, आर माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक आर माइनस एक्स। सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और क्योंकि जब हम डेप्थ में चले जाते हैं तो हम अर्थ की डेंसिटीज को हमेशा कंसिडर करते हैं, क्योंकि अर्थ किसी मटेरियल की बनी हुई है तो उसको डेंसिटी को जरूर कंसिडर करना है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मास, टोटल मास ऑफ अर्थ को लिखा जा सकता है टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी रो। तो आप इस जी की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, कैपिटल जी आर स्क्वायर, मास की जगह 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। ठीक, तो मास की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी 4/3 जी कैपिटल आर इंटू रो, कुछ ऐसा आ गया। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे आ गई। अगर मैं डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस नीचे आया हूं, तो मेरे को कौन सा मास कंसिडर करना है, मेरे को इस मास को कंसिडर करना है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये रहा।
ये रहा, क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना सा पोर्शन आपकी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पोर्शन पर, इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 4/3 g, बस r की जगह वैल्यू क्या चेंज कर देनी है, r माइनस x इंटू रो, कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसमें क्या कंसिडर करना है, जहां आपका डिस्टेंस r था तो ये वैल्यू, अगर आपका डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से r माइनस x, तो बस r की जगह r माइनस x। हाँ, इसको ऐसे किया जरूर गया है कि अगर मान लो यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको निकालनी है तो g इंटू m डैश बाय r माइनस x का होल स्क्वायर, आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ब्लू कलर के मास को कंसिडर करना है और वो मास कितना है m डैश और रेडियस कितना है r माइनस x। ठीक, आप m डैश को लिख सकते हो, m डैश इज इक्वल टू 4/3 r माइनस x का होल क्यूब इंटू डेंसिटी, तो मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस m डैश को ऊपर पुट कर दो तो g डैश इज इक्वल टू g r माइनस x का होल स्क्वायर इनटू 4/3 इनटू r माइनस x का होल क्यूब इनटू रो, तो g डैश की वैल्यू सॉल्व करके एग्जैक्टली सेम आएगी जो भी मैंने सीधी लिखी है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी सही है। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जी आ गया, अर्थ की सरफेस के अंदर जी आ गया, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो जी डैश बाय जी, तो आपके पास आंसर आएगा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, सब कुछ कैंसिल हो गया, आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, इसको और इसको डिवाइड करना है, तो यहां से जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर आपने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट की वजह से निकाली, आपने इसमें डेप्थ की वजह से निकाली, और लास्ट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कैसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अर्थ घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो घूमने से कैसे फर्क पड़ता है, घूमने से ऐसे फर्क पड़ता है कि हर पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जब वेरी करेगी तो आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरी करेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, एमआर ओमेगा स्क्वायर, आप अर्थ के एक्सिस से कहां पर खड़े हुए हो तो आर की वैल्यू वहां पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, एमआर ओमेगा स्क्वायर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिफर करेगी, तो वो कैसे चेंज करना है उसे, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको एक बार देखते हैं। तो यहां पर अफेक्ट ऑफ रोटेशन के अंदर, अफेक्ट ऑफ रोटेशन, अफेक्ट ऑफ रोटेशन के अंदर सपोज ये रहा अर्थ, या अफेक्ट ऑफ रोटेशन बोलते हैं या फिर अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, एक ही बात है, लैटिट्यूड का मतलब एंगल लैम्डा। तो लैटिट्यूड के लिए सपोज करो ये आपके पास एक इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है जिसमें इक्वेटर के अलॉन्ग कोई प्लेन है, इमेजिन किया, मान लो आप यहां पर खड़े हुए हो पी पॉइंट पर खड़े हुए हो और ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपने कितना एंगल बनाया इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, यहां तक उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इसमें ये रेडियस कितना है, ये आर रेडियस है, और ये जो पार्टिकल है वो इतने सर्कल में घूम रहा है अर्थ के साथ साथ रोटेट करता हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर है। तो अर्थ के साथ रोटेट करता हुआ इतने रेडियस में घूम रहे, नेक्स्ट है अगर ये आर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये एंगल कितना है लैम्डा, तो लैम्डा एंड लैम्डा सेम हो गया। अगर ये कैपिटल आर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस लैम्डा, ये भी ठीक, तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस लैम्डा, मतलब ये जो पार्टिकल है वो आर कॉस लैम्डा में घूम रहा है। लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट 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 प्लेसेस पर, पोल्स के लिए लैम्डा 90 है, कॉस 90 जीरो, यानी कि आप किसी रेडियस में घूम नहीं रहे हो, आप एक्सिस पे घूम रहे हो। उसी तरीके से आप अगर इक्वेटर पे खड़े हुए हो, लैम्डा कितना, जीरो, जीरो का मतलब आप कितने रेडियस में घूम रहे हो, आर कॉस जीरो क्या होता है, आर, तो अलग अलग लोकेशन का अलग अलग रेडियस है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है आप अगर यहां पर खड़े हुए हो तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी कितनी, एम इन टू कितने रेडियस में घूम रहे हो, आर कॉस लैम्डा इनटू ओमेगा का स्क्वायर, एज्यूमिंग कि अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, जो आपका एक्चुअल वेट है वो कितना है, वो एमजी है, जो एक्चुअल वेट है उसकी वैल्यू एमजी है, और एमजी हमेशा कहां एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो एमजी है वो कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि अर्थ आपको हमेशा कहां अट्रैक्ट करती है,
सेंटर की तरफ। अब आपका वेट एक्चुअल में तो एम जी है रियल वेट, और ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आपका जो वेट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, यू हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से मास तो चेंज होता नहीं, वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी डैश। ठीक, तो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी डैश, तो वेट की वैल्यू एम इंटू जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये एक फोर्स है ये एक फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इसकी इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 180 माइनस लैम्डा। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस लैम्डा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन से ये लैम्डा है, तो ये 180 माइनस लैम्डा। ये स्टेप क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट फोर्स कितनी है एम जी, मैंने बोला एम जी का स्क्वायर, और दूसरी फोर्स कितनी है एम आर इंटू कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट फोर्स इंटू सेकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। ठीक, और मैथ्स में कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा क्या होता है, माइनस कॉस लैम्डा, तो इसकी जगह माइनस कॉस लैम्डा पुट कर दो, तो एम जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर जी इंटू आर आर इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस कॉस लैम्डा है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। अब लास्ट इसमें से एम इंटू जी डैश में से एम जी को एम स्क्वायर जी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा, एम जी। ठीक, तो यहां से एम स्क्वायर जी स्क्वायर से एम जी बाहर आ गया, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, यहां पर क्या बच गया, वन, यहां पर एम स्क्वायर कॉमन आ गया, जी तो है ही नहीं, तो आर स्क्वायर बाय जी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा रेस टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पर एक जी है एक जी नहीं है, तो आपको जी से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, और ओमेगा का स्क्वायर और भी क्या होगा, स्मॉल, तो ये टर्म ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, निगलेक्ट। तो आपके पास क्या बचा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 आर बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा का स्क्वायर रेस टू पावर अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, हाफ। और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए बाइनोमियल लगाओ, बाइनोमियल हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी माइनस वन माइनस आर बाई जी कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो जी डैश का एक्सप्रेशन आ गया, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आ गया लैटिट्यूड की वजह से। ठीक हो जाएगा प्रूफ ये, इसमें कोई डाउट? ठीक है यहां तक। और अगर मान लो पोल्स हैं, पोल्स के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 90, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रह जाएगी जी, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो। और अगर इक्वेटर है तो लैम्डा की वैल्यू जीरो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, जो कि क्या होता है, वन। एक्ट नेट वेट, हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ ये जो नेट वेट है नई एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर ए है, जिसमें एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में मेंशनड है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो आपका चैप्टर है बी चैप्टर है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसमें मेंशनड है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेसिकली क्या करना है कि इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। तीन चीजें इकट्ठी चलेंगी, एक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक इंटेंसिटी। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर
जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको किससे नाम दिया गया, ई या ई वेक्टर। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका सिंबल वी है, इसका सिंबल यू है, इसका सिंबल ई है, और एक और चीज है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी अभी हमने डिस्कस की, एफ। फोर्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में डिस्कस किया, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर मान लो आप अर्थ की वजह से डिस्टेंस पर फील्ड निकालना चाहते हो, अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो फील्ड का मतलब है ई इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कौन सा, जो मास यहां पड़ा हुआ है, लेट अस सपोज मास कितना पड़ा हुआ है, स्मॉल एम। तो फोर्स इस अर्थ और मास के बीच में कितनी होगी, जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और उस मास से डिवाइड करना है जहां पर आपको ई निकालना है। ई आपको यहां निकालना है, तो मास की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम कैंसल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसका एक शॉर्टकट बनाया गया, वो क्या कि जहां पर आज के बाद अगर मान लो ये अर्थ है, आपको यहां पर ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां इमेजिन कर लो यूनिट मास पड़ा हुआ है, तो यूनिट मास की वजह से यहां पर फोर्स कितनी है इनके बीच में, जी इंटू एम इंटू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ई जो फील्ड की वैल्यू है वो अर्थ लगा रही है, वो पॉइंट मास नहीं लगा रहा। तो जो फील्ड ई की जो वैल्यू है वो पॉइंट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा अर्थ का मास होगा या जितना बड़ा प्लैनेट का मास होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू भी उतनी ही वहां पर स्ट्रांग होगी। और फील्ड को किसी भी पॉइंट पर मेजर करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और जिसकी वैल्यू इस तरीके से निकलती है। और इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, इसमें हमेशा किसका मास आता है, प्लैनेट का मास आता है। जितना बड़ा प्लैनेट का मास होगा, फील्ड उतना ही उसका उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहां तक। इसके जो यूनिट है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन फोर्स अपॉन मास है, तो न्यूटन पर केजी में है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया है कि अगर मान लो ये अर्थ है, और लेट अस सपोज आप इंफिनिटी में जाते हो, और आप एक स्मॉल एम मास को उठा के इस पॉइंट पर रखते हो, जहां पर आपको क्या निकालना है, जहां पर आपको एनर्जी निकालनी है, तो उस केस में आप इसको डिफाइन कैसे करते हो पोटेंशियल एनर्जी को, कि पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, ताकि आप किसी भी पॉइंट मास स्मॉल एम को उठा के उस जगह पर रख सको जहां पर आपको एनर्जी निकालनी है। तो इस वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब रास्ते में आ रहे हैं, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है, ये एक्स है, हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं पहले यहां पर डी डब्ल्यू, विच विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी एक्स है। इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो अर्थ लगाएगी, और पॉइंट मास यहां पर आ चुका है, तो पॉइंट मास और अर्थ के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। और मेरे को तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में जीरो से लेके डब्ल्यू, जब मास बहुत दूर है, फोर्स लग नहीं रही, तो वर्क डन जीरो काउंट होगा, और जैसे जैसे पास आते जा रहे हो तो वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले कहां से आ रहे हो आप, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे वर्क डन जीरो है, और फाइनली कहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो स्मॉल आर पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो यहां से इंटीग्रेट करो, तो ये W आ जाएगा, G बाहर, M, M बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके R तक। ठीक है, यहां तक। और यहां से वर्क डन इज इक्वल टू G इंटू M इंटू M, इसकी इंटीग्रेशन x रेज टू पावर माइनस वन बाई वन इन्फिनिटी से लेके स्मॉल R तक, W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम वन बाय एक्स रेज टू इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर, तो W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और यही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर।
ठीक है यहाँ तक? कितने समझ में आ रहा है गणेश? ठीक। सो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर ये एनर्जी है, एनर्जी में दोनों के मासेज आते हैं, बॉडी प्लैनेट का मास भी आता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास भी आता है। इंटेंसिटी में प्लैनेट का मास आता है, फोर्स में दोनों का मास आता है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। सो बेसिकली आपको ये बताना है कि स्मॉल एम अमाउंट ऑफ मास को अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर रखते हो तो कितना वर्क डन करना पड़ता है? माइनस जी एम एम बाय आर। अभी आपने निकाला, आपने इन्फिनिटी से कितने मास को लेके आए, स्मॉल एम मास को लेके आए, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा? इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। अगर यूनिट मास को लेके आना होता तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता? इसको किससे डिवाइड करना है? एम से। तो यूनिट मास को लेके आने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस जी एम बाय आर, वेयर एम इज मास ऑफ प्लैनेट। तो यहां पर मास ऑफ प्लैनेट आएगा, यहां पर पॉइंट मास की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है यहां तक? तो फोर्स का फॉर्मूला क्लियर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्लियर और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी क्लियर। ठीक है यहां तक? ठीक। तो एक बार थोड़ा सा ये थ्योरी का टॉपिक जल्दी से निकल जाए, मैं उसके बाद फिर आपको लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल भी बताता हूँ कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ आज काफी जितना कोर्स हो सके मैं एक बार पूरा एक लेक्चर में दिखा दूं ताकि आपको एकदम ओवरव्यू मिल जाए। ठीक। और वैसे भी सेकेंड टाइम करने से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है थोड़ा सा, जो क्योंकि एक टॉपिक एक लेक्चर में चलता है ना, तो बंदे को लगता है पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक करवा दिया, पोटेंशियल एनर्जी करवा दिया सर ने एक लेक्चर में, जबकि ये देखो बोर्ड का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब 1/4 से भी छोटा पार्ट है। तो सेकेंड टाइम है थोड़ा जल्दी ही रहेगा। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड्स और इनके बारे में मेंशनड है। तो आपने क्या करना है इसमें कि सबसे पहले सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के अर्थ की सरफेस से या किसी भी डिस्टेंस से बहुत दूर फेंकना चाहते हो, कितना दूर कि वो वापस ना आए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकल जाती है बॉडी, यानी कि कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट। यानी कि आप बॉडी को कहां फेंकना चाहते हो? एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? आपने अभी निकाला, अगर आप इंफिनिटी से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा नेगेटिव में, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आप एक्चुअल में जो वर्क डन करते हो वो अगेंस्ट, क्योंकि एक्चुअल में इंफिनिटी से लेके आ नहीं रहे बॉडी को, एक्चुअल में तो ग्राउंड से उठा रहे हैं। तो ग्राउंड से जब हम उठाते हैं तो हम वर्क डन क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वो माइनस शो करेगा, और वैसे भी मैथमेटिकली बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर मान लो यहां पर एनर्जी -10 है, यहां पर एनर्जी -7 है, यहां एनर्जी -6 है, तो एनर्जी कम नहीं हो रही, एनर्जी उल्टा इंक्रीज हो रही है। अगर एनर्जी पॉजिटिव में होती तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर एनर्जी पॉजिटिव में होती तो हम बोलते कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। तो इसलिए इसका साइन का नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है यहां तक? तो अब अगर मैं उल्टा बोलता हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से बहुत दूर फेंकना है तो मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन तो एग्जैक्टली सेम ही करना पड़ेगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पॉजिटिव में कर दो, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर, अमाउंट ऑफ वर्क डन जी एम एम बाय आर, लेकिन इन पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और एस्केप वेलोसिटी में बॉडी को आर से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो साइन उल्टा हो गया। और अगर आप अर्थ की सरफेस से उठा के फेंकना चाहते हो किसी बॉडी को, तो अर्थ की सरफेस के लिए स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देना है? कैपिटल आर। ठीक। तो अर्थ की सरफेस से इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे वो कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या दोगे इसको? काइनेटिक एनर्जी दोगे ताकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए।
स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसल, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 2m डिवाइडेड बाय 2gm बाय r. इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी. तो जब एस्केप वेलोसिटी को प्रूव करना आएगा तो आप सब कुछ सेम करोगे, लिमिट्स उल्टी कर दोगे इसमें, इसमें अपने पोटेंशियल एनर्जी में लिमिट लगाई इन्फिनिटी से r, उसमें लगाओगे कैपिटल r से इन्फिनिटी, उल्टा, क्योंकि आप सरफेस ऑफ अर्थ से फेंक रहे हो. तो आपकी पहली लिमिट क्या आएगी, कैपिटल आर, और सेकेंड लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी. तो आपका अपने आप ही वर्क डन का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी. नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट एक ऑर्बिट में मूव करती है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर हमने क्या करना है, सपोज कि अर्थ है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, आपने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट के अंदर ये डिस्कस किया था, अगर आप बहुत हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकते हो तो इट विल मूव अराउंड इन अ सर्कल, अर्थ के अराउंड ऐसे मूव करती है. मान लो ये सैटेलाइट कितने डिस्टेंस में मूव कर रही है, एक्स, और सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एक्स. ठीक, तो ये सैटेलाइट या ये ऑब्जेक्ट इसलिए अर्थ के आसपास घूम रहा है क्योंकि घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए. और मान लो सैटेलाइट का जो मास है वो कितना है, स्मॉल m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एक्स. ठीक, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. और कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो है ग्रेविटेशनल पुल. तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ ने कितना लगाया, जी अर्थ का मास इनटू सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से स्मॉल एम कैंसल, एक टर्म इससे भी कैंसल, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स. तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की. और अगर सैटेलाइट बहुत नजदीक है अर्थ की सरफेस की, तो एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर. बस, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है. जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या था, 2gm बाय r, ऑर्बिटल का gm बाय r. आप ऐसा भी कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल gm को पुट कर सकते हो स्मॉल g, r स्क्वायर, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑर्बिटल की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल g r. ठीक, और ऐसी एस्केप में भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, 2g r स्क्वायर बाय r, तो एस्केप का एक और फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g r. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर है, एस्केप क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना. सेम चीज है, ये आपके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के आसपास मूव कर रहा है. ठीक, तो इसमें एक चक्कर कितने टाइम में काटता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू है, 2 पाई इनटू आर प्लस एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्योंकि एक चक्कर कितने डिस्टेंस का पड़ रहा है उसको, 2 पाई इनटू आर प्लस एक्स, और सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी नॉट ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2 पाई इनटू आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, या फिर 2 पाई अंडर रूट के अंदर r प्लस एक्स को लेके जाओगे तो r प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय gm. ठीक हो गया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई. और अगर फिर से एक बार सैटेलाइट काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ की, तो x को क्या पुट कर सकते हैं, 0. तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब, और कैपिटल gm को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल g, r स्क्वायर. तो आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय g. This is the time period of a satellite. ठीक है यहां तक?
टाइम पीरियड निकल गया, हाइट ऑफ सेटेलाइट निकाल लें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक्स की फॉर्म में क्या आया, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एक्स आर प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, इसको स्क्वेयरिंग कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, या टी स्क्वायर इंटू जी एम डिवाइडेड बाई फोर पाई आर, फोर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल क्यूब, या फिर टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू आर प्लस एक्स, या फिर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 माइनस आर। दिस इज द हाइट ऑफ द सेटेलाइट। इसको याद थोड़ा करना है, टाइम पीरियड निकालना आता है तो एक्स तो अपने आप ही आ जाएगा। माधव कितने लेक्चर में से, ओके नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट में टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट सपोज दिस इज कैपिटल आर और लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस पे सैटेलाइट है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू
जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। तो यहाँ से ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, तो आपके पास टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, और काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। तो इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू इंटू आर प्लस एक्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। नेक्स्ट है कैपलर्स लॉ को प्रूव करना, स्पेशली कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली आपको, देखो कैपलर के तीन लॉ हैं, जो अगर स्टार्ट करें कैपलर्स फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कैपलर का, कि सन जो है वो सेंटर पे नहीं है, सन जो है एक फोकस पे एलिप्स के, और अर्थ जो है वो एलिप्स की फॉर्म में मूव कर रही है और सर्कल में मूव नहीं कर रही है, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर मान लो अर्थ यहां से यहां टी वन टाइम में आती है, या टी टाइम में आती है, और मान लो टी टाइम में अर्थ यहां से यहां आती है, तो टी टाइम में एरिया की वैल्यू ये वाली और ये वाली एरिया की वैल्यू एग्जैक्टली सेम, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक, तो एरियल वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी प्लैनेट के लिए हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है डी ए बाय डी टी, दिस इज नोन एज एरियल वेलोसिटी एंड दिस इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू कैपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है यहां तक, तो ऐसा इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लो इस तरीके से अर्थ घूम रही है एलिप्स में, और लेट अस सपोज यहां से यहां आ गई, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी आर वैक्टर है, और ये कितना है, ये आर वैक्टर है। तो अर्थ ने कितना एरिया स्वीप कर लिया यहां पर, डी ए कैन बी रिटर्न एज हाफ इंटू आर वैक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि डी आर इज वेरी 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 स्मॉल, तो ये टेंजेंशियल एक्ट कर सकता है। तो आर और डी आर में एंगल 90 होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या आ गया, इस पोर्शन का छोटा सा एरिया आ गया। ठीक है यहां तक, और एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए डी ए बाई डी टी हाफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट है डी ए बाई डी टी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू, आप इसमें यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस डी आर वेक्टर क्रॉस डी बाई डी टी, नहीं एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने आर वेक्टर लिया, एक बार डी आर वेक्टर लिया, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी कर लिया, डी आर वेक्टर बाई डी टी, गलत कर दिया, इसमें आप ऐसा कर सकते हो एरियल वेलोसिटी जो एरिया वेक्टर है दैट इज डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। मेरे को क्या करना है, मेरे को एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए मेरे को डी ए वेक्टर बाय डी टी निकालना है। ठीक, मान लो कोई स्टेप मेरे को नहीं याद आया और मुझे ये वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है, एक ही तरीके से ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। कैसे, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दूं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जब भी एक प्लैनेट सन के आसपास घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, आप इसको जब डी टी से डिवाइड करोगे, ऐसे आप इसको इस तरीके से डी टी से डिवाइड कर लो, आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डी आर बाई डी टी को सीधा वेलोसिटी वी वेक्टर लिख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं इसको v वेक्टर लिख लूं, r क्रॉस v हो गया, और मैं इसे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर लूं, तो हाफ इंटू r क्रॉस m इंटू v क्या होता है, p वेक्टर डिवाइडेड बाय m,
और आर क्रॉस पी क्या होता है, एल वेक्टर डिवाइडेड बाय, एल वेक्टर डिवाइडेड बाय 2m। एल हमेशा कांस्टेंट है किसी भी प्लैनेट का, एम कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, डिफरेंशिएशन वैसे ही आ गया। तो केपलर का सेकेंड लॉ भी क्लियर है। केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यू। कि अगर अर्थ घूम रही है, इसका टाइम पीरियड टी है और रेडियस आर है, तो मैं प्रूव कर सकता हूं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। वो कैसे, टाइम पीरियड होता क्या है, टू पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, या टी इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, या टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। आर क्यूब हो जाएगा अंडर रूट में, ये स्मॉल आर जाएगा। स्क्वेयरिंग करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ये टर्म तो आ गई कॉन्स्टेंट, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर क्यूब। कुछ नहीं करना, अपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को लेके प्रूव कर देना है। नेक्स्ट है केपलर्स टू प्रूव डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो अब मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो इसके लिए मुझे एक चीज पता है कि अगर, देखो मैं न्यूटन लॉ तो लगा नहीं सकता, मुझे एक चीज पता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के आसपास मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी फोर्स होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो पक्का होगी होगी। और मुझे यह भी पता है जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई आर बाय टी, टू पाई आर बाय टी डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड इज वेलोसिटी। एक प्लैनेट टी टाइम पीरियड में घूम रहा है तो टू पाई आर अपॉन टी, ठीक यहां तक। या फिर एफ इज इक्वल टू एम आर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। लेकिन केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम केपलर का थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसमें जो रेडियस लिया हुआ है वो स्मॉल आर के साथ कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि कैपिटल आर हो, वो तो स्मॉल आर कुछ भी रेडियस होता है प्लेनेट का सन से या किसी भी प्लेनेट से। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर का क्यूब, तो टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो तो एफ इज इक्वल टू एम बाई आर इंटू फोर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू के इंटू आर का क्यूब। तो एफ इज इक्वल टू फोर पाई एम डिवाइडेड बाय के, और यहां से एक आर ये कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बच गया, आर का स्क्वायर, ठीक। अब उल्टा करना क्या है, ये जो टर्म दिखाई दे रही है ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है वो कहीं ना कहीं मास ऑफ अर्थ के, सॉरी सन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी जगह प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट जी आएगा, जी एम, इसकी जगह पुट कर सकते हो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उल्टा भी कर सकते हो। हमने केपलर, हमने बेसिकली क्या किया था, हमने टाइम पीरियड निकाला था, आप उल्टा स्टार्ट कर लो जस्ट मन में, क्योंकि प्रूफ तो आप शुरू तो उल्टा कर नहीं सकते। आप अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये लॉ प्रूफ करना है, एम और आर स्क्वायर मेरे पास है, ये टर्म कांस्टेंट होगी और ये रिवर्स आ जाओ, और इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस से आप एम वी स्क्वायर बाय आर पे आ सकते हो। इट्स योर वे, जैसे भी करना है आप प्रूफ करोगे, पर इसमें ये है कि आपको यहां से स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा कि किसी भी प्लैनेट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, और एंड में प्रूफ करना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर ही होती है। बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लैनेट की वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है यहां तक, क्योंकि ऑर्बिट में होगा तभी तो उसको अर्थ खींचेगी, अगर एस्केप ही कर गया तो फिर तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंदर आपको कुछ इस तरीके से, इतना ही है ग्रेविटेशन,
और करना है? अच्छा ठीक है। नहीं मेरे को लगा शायद अर्थ के अंदर भी करना है, वो अर्थ के अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यार अभी फायदा नहीं होगा ना, फर्स्ट राउंड में कैसे फायदा होगा यार, वो तो थोड़ा एडवांस है, वो आपके ना स्कूल में आएगा, जेई मेन तक भी नहीं आता उसके प्रूफ्स। उसके प्रूफ सिर्फ आईआईटी में आते हैं, वो भी ऐसे प्रूफ नहीं आते। आईआईटी के अंदर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा जिसमें अर्थ के अंदर कुछ डेंसिटी डेंसिटी चेंज करके देगा, तो वो ज़रूरी है उसको करना। तो जिन्होंने वो एडवांस नहीं सुना ग्रेविटेशन का, वो पक्का सुन ले कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। और जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना आजकल, मैं कह रहा हूँ मेंस में भी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी चीज़ें आने। अभी लास्ट इस जेई मेंस में आया हुआ है ग्रेविटे, बताया था ना क्लास में, ग्रेविटेशन के अंदर अर्थ की डेंसिटी चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब लोग हिल गए थे कि ये ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में कब से आने लग गए, पिछले साल से आने लग गए, आपके बारे में तो थोड़ा मुश्किल ही बनेगा जैसा भी बनेगा। तो लेवल बढ़ता जा रहा है हर साल ना, तो प्रैक्टिस भी लोग ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो आपको आना चाहिए सब कुछ। सुना तो नहीं अभी, कैसे आएगा फिर, टाइम निकाल के सुनना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के अंदर आप इसमें इलास्टिसिटी के अंदर सबसे पहली चीज स्टार्ट कहां से, इलास्टिसिटी हुक्स लॉ से। इलास्टिसिटी के अंदर हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज सम कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन, या सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। डन? ठीक। तो स्ट्रेस का मतलब, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये स्ट्रेन है। मैंने एग्जांपल करवाया था स्ट्रेन का, जैसे एक वायर है, एल लेंथ की वायर है, आपने इसको एक्सपैंड कर दिया बाय डेल्टा एल, तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने करवाया था कि अगर मान लो ये एक क्यूब है, या सॉरी ये एक स्फेयर है, और इसमें आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, इसका वॉल्यूम वी से वी डैश छोटा कर रहे हो बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा वी, तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो अगर लेंथ में स्ट्रेन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर वॉल्यूम में स्ट्रेन है इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक थर्ड टाइप का स्ट्रेन है जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, जैसे ये फिक्स्ड है एक वायर, आपने फोर्स लगा के इसको टेढ़ा कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। क्लियर? तो तीन तरीके के स्ट्रेन हो गए। और क्योंकि इसको खींचने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगानी पड़ती है, इसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स परपेंडिकुलर लगानी पड़ती है, तो ये सारे जो ये जो जो स्ट्रेस है एक्चुअल में दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज डिफाइंड एज नॉर्मल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स बॉडी को लंबा या छोटा नहीं कर पाएगी, सिर्फ टेढ़ा कर पाएगी। नॉर्मल फोर्स बॉडी को डिफॉर्म कर सकती है, उसका साइज चेंज कर सकती है। ठीक है यहां तक क्लियर? क्लियर है गितेश, आशीष? देखो नेक्स्ट है इसके अंदर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्योंकि स्ट्रेन तीन तरीके के हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन
स्ट्रेस में यहां पर आएगा नॉर्मल स्ट्रेस, यहां पर भी आएगा नॉर्मल स्ट्रेस, यहां पर आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसकी रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। इसकी रेशियो को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस का सिंबल वाई, फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस है, डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन है। और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला या तो बी होता है या के होता है, इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा वी बाय वी, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा डिक्रीज मानते हैं कि कंप्रेस हो रहा है, तो साइन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, इसको प्रेशर की फॉर्म में नाम दिया जाता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया। पी लिखना है पी लिख लो, चेंज इन प्रेशर लिखना है चेंज इन प्रेशर लिख लो। वैसे चेंज इन प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप अर्थ की सरफेस, वाटर की सरफेस के नीचे जा रहे हो, आप फॉर्मूला प्रेशर का क्या लगाते हो, एच रो जी। तो जो एच रो जी है वो बेसिकली चेंज इन प्रेशर माना जाता है। और लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल ईटा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एंगल थीटा। तो स्ट्रेन कितना है इसमें, थीटा। ठीक है यहां तक? तो तीन डेफिनेशंस क्लियर है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव। वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव लगाते हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव नहीं देते। वैसे वॉल्यूम कभी ज्यादा होता ही नहीं, प्रेशर से वॉल्यूम हमेशा छोटा ही होता है प्रेशर की वजह से, तो इसलिए उसको ज्यादातर नेगेटिव रखा जाता है। ठीक, इसके बाद इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक एक्सपेरिमेंट है, एक रबर के ऊपर या किसी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर। तो इलास्टिक मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आपने इसको खींचना है, मान लो ये ओ पॉइंट तक है, मान लो ये ओ पॉइंट है, आप इसके ऊपर स्ट्रेस लगाओगे तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो कुछ देर के लिए सॉरी कुछ देर के लिए आप ये बोल सकते हो कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। मान लो यहां से यहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, जिसके अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, लेकिन ये लेंथ होती बहुत छोटी है, मतलब जो आप एक वायर को खींचते हो ना, हम बोलते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये बहुत ही कम अमाउंट के लिए चलता है। उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहती, थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी कि हुक्स लॉ लगना बंद हो गया। यानी कि आप अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेन की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक है यहां तक? तो कम स्ट्रेस अप्लाई करने में भी स्ट्रेन काफी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आप ई इलास्टिक लिमिट, आप इसको खींच रहे हो, अगर आपने इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींचना शुरू कर दिया रबर बैंड को, मान लो ये ए पॉइंट है जहां हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, आपने इसको और खींच दिया, कितना खींच दिया, ई। अगर आप ई से कम कम खींचोगे तो रबर बैंड वापस ओ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हो, अगर आप इलास्टिक लिमिट को और क्रॉस करते हो, यहां तक लेके आते हो, तो अगर आप यहां से इसको छोड़ोगे और बार बार यहीं से लेके आके छोड़ते रहोगे, तो ये रबर बैंड यहां कभी नहीं वापस आएगा, ये परमानेंटली कहां पर आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। और कितना लंबा हो जाएगा, मान लो एक्स ओ की जगह एक्स ओ डैश, यानी कि ये जो लाइन है वापस कहां पर आके रुकेगी, ओ डैश पे। तो इसके अंदर परमानेंट क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। इसको ई को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल। ठीक है यहां तक? उसके बाद अगर आप इसको खींचते हो तो उसके बाद ऑब्वियसली एंड में क्या आएगा, एक और वाई पॉइंट आएगा जिसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब अगर आप उसके बाद जरा सी भी फोर्स लगाओगे वो अपने आप ही
अपने वेट की वजह से ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, वायर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही, अपने वेट इतनी पतली हो चुकी है, अपना वेट ही सफिशियंट होगा उसको तोड़ने के लिए, और एंड में वो ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, टूट जाएगी। तो आपने इस ग्राफ को इस तरीके स्टेजेस में डिस्कस करना है, और आपकी हर बुक में स्टेजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर के अंदर एक वायर को आपने खींचना है, तो इसको इलास्टिक मटेरियल है, खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, ठीक, इसकी लेंथ एल है, आपने इसको फोर्स एफ लगाया, एफ लगा के आपने इसको बड़ा कर दिया बाय एन अमाउंट ऑफ एल, और इस मटेरियल का यंग मॉडुलस कितना है, वाई। वाई होता क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एल स्मॉल एल। तो यहां से फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ठीक, सो इस केस में इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए आपको सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो आपने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, कितना, डीएल, तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एफ इंटू डीएल इसको खींचने के लिए। तो एफ की वैल्यू कितनी है, वाई ए एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डीएल, क्योंकि एल इज लेंथ, स्मॉल एल इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और आपको इसको कितना खींचना है, जीरो से लेके डब्ल्यू तक, और जीरो से लेके आप एक्सपेंशन डीएल कितनी चाहते हो, डीएल 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 होके कितना हो जाए, स्मॉल एल। तो जीरो से लेके स्मॉल एल, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए कैपिटल एल कॉन्स्टेंट है, एल डीएल की इंटीग्रेशन जीरो से एल तक, वाई ए कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर बाय टू आ जाएगा सॉल्व करके, लिमिट पुट करने के बाद, यानी कि वर्क डन की वैल्यू आ गई हाफ इंटू वाई इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, क्योंकि एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हो स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल। ठीक, आप चेक कर सकते हो यहां से ये वैल्यू किसकी है, फोर्स की, तो वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फोर्स इंटू एक्सपेंशन प्रोड्यूस। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इन एक्सपेंडिंग अ वायर इंटू एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक नेक्स्ट है एनर्जी। वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, दिस इज स्टोर इन द वायर, इलास्टिक वायर है ना, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो अगर आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप एक काम करो, U इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल आपके पास है, दोनों साइड्स को किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, मान लो ये ए है और इसका वॉल्यूम टोटल कितना है, ए इंटू एल। ठीक, तो यहां से फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन। तो आंसर आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मुझे पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो आप इस स्ट्रेस की जगह पुट कर सकते हो। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस की जगह वाई और इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया, ये भी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से स्ट्रेन स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हाफ इंटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। तो वर्क डन
पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। तो ये सारे फॉर्मूलाज किसके हैं? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी। अगर आप बल्क मॉडुलस से किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मास तो कभी चेंज नहीं होता, तो डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि छोटी छोटे स्पेस में आप ज्यादा मास को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी। और वैसे मैं बता दूं कि जो बल्क मॉडुलस होता है, के एक सिंबल है, उसके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। ये याद रखना है, ठीक। अब मुझे एक चीज पता है कि जो बल्क मॉडुलस है बी या के इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। जो बल्क मॉडुलस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है? आपको रो डैश निकालना है, ठीक। तो आपको डेंसिटी निकालनी है कि डेंसिटी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो यहां से डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय बी। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी वी डिवाइडेड बाय बी। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय बी, ठीक। तो यहां से वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस पी वी बाय बी, ठीक। तो यहां से वी डैश इज इक्वल टू वी वन माइनस पी डिवाइडेड बाय बी, ठीक। और वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम या डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मास तो चेंज होता नहीं, तो मास एम डिवाइडेड बाय नई डेंसिटी, मास एम ओल्ड डेंसिटी माइनस पी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है यहां तक। एम से एम क्या हो गया? कैंसल। वन बाय रो डैश इज वन बाय रो वन माइनस पी डिवाइडेड बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो डैश इज इक्वल टू रो रो डिवाइडेड बाय वन माइनस पी डिवाइडेड बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। और यहां से रो डैश इज इक्वल टू रो वन माइनस पी डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर माइनस वन। रो डैश इज इक्वल टू रो, बाइनोमियल से आप इसको क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई करके प्लस। और यहां से रो डैश इज इक्वल टू रो वन प्लस वन बाय बल्क मॉडुलस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। आंसर ठीक। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट इज पास्कल लॉ। प्रेशर के अंदर प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, एंड पास्कल लॉ से पहले अगर एक कंटेनर है लिक्विड का, ये रहा एक लिक्विड का कंटेनर है, इसमें लिक्विड ही लिक्विड है, ये रहा। आपने एक पोर्शन ऑफ लिक्विड कंसिडर कर लिया और ये पोर्शन ऑफ लिक्विड कंसिडर किया, ये रहा। ये मैंने एक सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं ली, ये कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं है, ये पानी का ही पार्ट है। लिक्विड को ही एक शेप दी गई है, सिलेंडर आकृति, लिक्विड, ये कंटेनर नहीं है। तो अंदर कई लोग सोचते हैं सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर नहीं डाला, ये पानी ही है। तो इसमें कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, एक ये पॉइंट और ये एक ये पॉइंट। इसका वेट कहां कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स।
एंड इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर से एक्ट कर रही है एफ वन, एफ वन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, और फोर्स क्या है प्रेशर इनटू एरिया, और एक लिक्विड ऊपर भी फोर्स लगाएगा एफ टू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और इक्विलिब्रियम रखने के लिए क्योंकि लिक्विड मूव तो कर नहीं रहा तो नीचे की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस, नीचे की टोटल फोर्सेस कितनी है पी वन इंटू ए प्लस एम जी, और ऊपर की कितनी फोर्स है पी टू इंटू ए, तो यहां से पी ऑफ टू माइनस पी वन इंटू ए इज इक्वल टू वेट एम जी, ठीक, या फिर पी टू माइनस पी वन इंटू ए मास का मतलब क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, या फिर पी टू माइनस पी वन इंटू ए वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट, मान लो ये हाइट कितनी है एच, तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, एरिया से एरिया कैंसिल, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का लिक्विड के अंदर जो प्रेशर आता है वो क्या आता है एच रो जी, ठीक। बस फोर्सेस को इक्वेट करना है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ठीक। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ सिंपल है, वो ये बोलता है कि मान लो एक एनक्लोज फ्लूइड है, लिक्विड ही लिक्विड है, यहां का एरिया ए वन है, यहां का एरिया ए टू है, अगर आप यहां पर एफ वन फोर्स लगाओगे यहां पर एफ टू फोर्स लगेगी सच दैट फोर्स बाय एरिया मस्ट बी सेम, यानी कि प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी लिक्विड में, एक एंड से दूसरे एंड कहीं मर्जी ले लो लेकिन लिक्विड बंद होना चाहिए पूरी तरीके से, तो प्रेशर की वैल्यू शुड बी सेम, दिस इज पास्कल लॉ, ठीक। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसको दो तरीके से करवाया हुआ है, एक तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल और एक वैसी आर्किमिडीज ने बताया कि अगर कोई भी बॉडी इमर्स करते हो लिक्विड में तो उसके साथ क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सबसे पहली चीज है कि अगर मान लो बॉडी का वेट हवा में कितना है डब्ल्यू वन है और लिक्विड में वेट कितना हो गया कम हो गया डब्ल्यू टू हो गया, वो इसलिए कम होता है क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाता है अप थ्रस्ट। ये स्टेप क्लियर है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये बॉडी तैर नहीं रही, फ्लोट नहीं कर रही, देयर विल बी लॉस इन वेट, तो जो भी लॉस इन वेट होगा बॉडी का मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या करेगी कोई ना कोई लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, एक ही बात है। तो जितना लॉस होता है किसी भी बॉडी का वेट का वो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है और वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल भी होता है, ठीक है यहां तक। और इसको और जो सेकेंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर कोई बॉडी तैर रही है जिसका कुछ पोर्शन हवा में कुछ पानी में, तो लेट अस सपोज ये वॉल्यूम v है, हवा में v डैश है, तो पानी में वॉल्यूम कितना है v माइनस v डैश, ठीक। तो अगर ये फ्लोट कर रही है तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है इसने ये जो पोर्शन देख रहे हो सबमर्ज्ड पोर्शन, इस पोर्शन ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। ये सेकेंड डेफिनेशन है, अगर कोई आप चाहते हो बॉडी तैरे तो ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब एक और मतलब होता है अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय होल वेट ऑफ द बॉडी। दो डेफिनेशन क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। सो अगर मान लो बॉडी की डेंसिटी रो बी है, लिक्विड की रो एल है, तो इसमें अगर आर्किमिडीज लगा के दिखाऊं तो वॉल्यूम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में किसका वेट है लिक्विड का, किसका वेट है लिक्विड का, तो वॉल्यूम भी किसका लिक्विड का, लिक्विड का वॉल्यूम इसमें कितना होगा वी माइनस वी डैश, गरिमा आगे देखो, तो लिक्विड का वॉल्यूम इसमें कितना होगा वी माइनस वी डैश इनटू किसका वेट है लिक्विड का, डेंसिटी किसकी लिक्विड की इनटू जी, तो ये वेट ऑफ लिक्विड आ गया। याद रखना बहुत कंफ्यूजन होती है डेंसिटीज में, बस ये देख लिया करो किसका वेट निकालना है, अगर लिक्विड का तो सारी टर्म लिक्विड की, वॉल्यूम भी लिक्विड का डेंसिटी भी लिक्विड की, नेक्स्ट होल वेट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का वॉल्यूम कितना है वी वी टोटल बॉडी होल वेट ऑफ बॉडी, तो होल वेट का वॉल्यूम वी, डेंसिटी भी किसकी
बॉडी की इनटू ये आर्कमिडीज है। आप ऐसे ही डरते रहते हो प्रेशर के आर्कमिडीज से, इसके अलावा और कुछ यूज ही नहीं करता अगर देखा जाए तो। और तो इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं ना, ये जो डेफिनेशन है हाँ उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक, जब बॉडी फ्लोट करेगी ये प्रिंसिपल, फ्लोट नहीं करेगी तो वो प्रिंसिपल। इसको प्रूव करना पड़ेगा आर्कमिडीज प्रिंसिपल को। आर्कमिडीज को प्रूव करने के लिए, आर्कमिडीज को प्रूव करने के लिए सपोज करो आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में लिक्विड लिया, इसके अंदर एक बॉडी ली, ये वाटर नहीं है, ये बॉडी है, अब ये अंदर है, ठीक, ये पानी के अंदर है, तो इसकी हाइट कितनी ली h, और कितने डिस्टेंस पे वाटर की सरफेस से, अगर ये वाटर का सरफेस है तो टॉप मोस्ट सरफेस h पे है, तो ये x पे है, x और ये h, ठीक है यहां तक। तो आपने इस तरीके से एक बॉडी को लिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिक्विड ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है, लिक्विड नीचे से भी फोर्स लगा रहा है, कितना, ऊपर से f1 और नीचे से f2। ठीक है यहां तक। अब मुझे एक चीज पता है, अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी तैरे, फ्लोट करे, कनिष्क ठीक नींद आ रही है, कोई नहीं, होता होता है, सुनना बहुत मुश्किल है, ठीक। सो अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी तैरे तो लिक्विड नीचे से ज्यादा फोर्स लगाएगा ऊपर से, तभी ये बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इट मींस F2 माइनस F1 ऊपर की फोर्स है, ऊपर की फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया, यानी कि P2 माइनस P1 इंटू एरिया। और मुझे पता है कि P2 का मतलब लोअर सरफेस पे प्रेशर, जो किसके इक्वल होगा, x प्लस h इंटू रो इंटू जी, और P1 का मतलब x इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया, ठीक। तो h रो जी लगा दिया ऊपर नीचे, इनको ओपन करो, x इंटू रो इंटू जी प्लस h इंटू रो इंटू जी माइनस x इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया, ये कैंसल हो गया, तो h इंटू ए इंटू रो इंटू जी, और h इंटू ए यानी कि पूरी बॉडी का वॉल्यूम, तो आंसर कितना आ गया, v इंटू रो इंटू जी। ये स्टेप क्लियर है। और जब हम प्रेशर में h रो जी लगाते हैं ना, तो रो का मतलब किसकी डेंसिटी होती है इसमें, लिक्विड की, बॉडी की नहीं होती, लिक्विड प्रेशर लगा रहा है h रो जी, बॉडी थोड़ा अपने ऊपर h रो जी लगा लेती है, तो डेंसिटी ध्यान से, ये डेंसिटी किसकी यूज हो रही है, लिक्विड की यूज हो रही है, ठीक है यहां तक। मैं अगर आपसे वैसी एक चीज पूछूं एक मिनट के लिए, ये बॉडी इस पानी में है, तो ये बताओ कि इसने कोई लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो किया ही होगा ना, बताओ वेट ऑफ लिक्विड में कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड में किसका वेट है, लिक्विड का, तो वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, कितना, ए इंटू एच, एच इंटू एरिया, स्मॉल ए, अच्छा कैपिटल ले, चलो कोई बात नहीं कैपिटल कर लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम आ गया बॉडी का, सॉरी लिक्विड का। अब किसका वेट है, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी, इनटू वीरो जी, ये क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये क्या आया था, अब थ्रस्ट, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ गई, तो ये प्रूव हो गया कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू अप थ्रस्ट। बस समझ में आई, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू अप थ्रस्ट, हो जाएगा प्रूफ। और लास्ट इसका आंसर दो, अगर हवा में वेट डब्ल्यू वन है बॉडी का और पानी के अंदर अप थ्रस्ट लग गया, तो इसका वेट डब्ल्यू वन में से अप थ्रस्ट माइनस गया, कितना आ गया, डब्ल्यू टू आ गया, W2 वेट कम इसलिए आता है क्योंकि एक्चुअल वेट के ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, अप थ्रस्ट। इसका मतलब W1 माइनस W2 इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, रीअरेंज करके, तो ये प्रूव हो गया लॉस इन वेट इज ऑलवेज इक्वल टू अप थ्रस्ट, एंड अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है यहां तक, बोला था सर को।
क्या कहते थे? चले जाना, देखो बर्नौलीज थ्योरम करने से पहले बर्नौलीज थ्योरम से पहले आपको एक और इक्वेशन आनी चाहिए, और वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. आगे सुनो, A1 है, A2 है, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V1, बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V2. आगे तो वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, क्योंकि एरिया क्या होता है मीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है यहां तक? तो याद रखना एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 इंटू V1 का मतलब वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है, और A2 V2 का मतलब वॉल्यूम जो आउट निकल रहा है. तो वॉल्यूम एंटरिंग एंड वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड अक्रॉस अ ट्यूब इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. ठीक. और इसको करने के लिए बर्नौली से पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी लिक्विड की, MgH. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, GH. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv2, और पर यूनिट मास क्या होता है, v2/2. प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए लिक्विड है कंटेन ये पिस्टन है, प्रेशर की वजह से फोर्स इंटू एरिया प्रेशर लगा, और लिक्विड डिस्प्लेस हो गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. तो प्रेशर की जो एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज अप्लाइड बाय प्रेशर. तो ये वैल्यू आ गई, ये प्रेशर एनर्जी आ गई. ठीक है यहां तक? और अगर मान लो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यू मैं पूछूं, यहां से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो प्रेशर एनर्जी का मतलब P into A into x, मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो P into A into x, कितना वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ यहां से, A into x. तो यहां पर क्या आएगा, A into x into डेंसिटी, x a कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, P/ρ. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. ये स्टेप क्लियर है? और बर्नौलीज थ्योरम के लिए इन फॉर्मूलाज की जरूरत है आपको. तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, मान लो एक ट्यूब है कुछ इस तरीके से, ये गिवन है सच दैट आपको सच दैट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, लिक्विड का वेलोसिटी यहां पर V1 है, लिक्विड की वेलोसिटी यहां पर V2 है. ठीक है यहां तक? और यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, और मान लो यहां की जो हाइट है वो H1 है, यहां की जो हाइट है वो H2 है. ठीक है यहां तक? तो हाइट H1 और H2 है. तो होगा क्या, नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा तभी पानी ऊपर चढ़ेगा, और मुझे पता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास मस्ट गिव राइज टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. प्रेशर एनर्जी की वजह से ही तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक है, पर यूनिट मास 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 कर लेना. ये भी क्लियर है यहां तक? तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि जो प्रेशर की जो एनर्जी है वो अभी हमने निकाली थी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके. तो बेसिकली क्या करना है कि
हमने लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पार में किया था कि वर्क डन पर सेकेंड इज ऑलवेज गिवन बाय कितना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी हमेशा आपको क्या देगी, वर्क डन पर सेकेंड। वो क्यों, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो प्रेशर ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, प्रेशर ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, और या उससे पहले अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वन वी वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू वी टू कर लो, दैट इज वॉल्यूम पर सेकेंड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम पर सेकेंड को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं लिक्विड की डेंसिटी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मास की वैल्यू पर सेकेंड किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू डेंसिटी मास फ्लोइंग पर सेकेंड, विच इज अ कॉन्स्टेंट। और मान लो इसको कॉन्स्टेंट को किससे नाम दिया गया, स्मॉल m, तो स्मॉल m यहां पर क्या होगा, मास नहीं, मास पर सेकेंड। ठीक, तो यहां से ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो, इसको संभाल के रखना। ठीक है यहां तक, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, इसके अंदर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास को तो हम इक्वेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज आपको बतानी है कि प्रेशर ने नेट प्रेशर कितना है, पी वन माइनस पी टू, नीचे का प्रेशर इतना ऊपर का इतना। तो नीचे का प्रेशर अगर पी वन है, तो प्रेशर को अगर नीचे के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगी, फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, और फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वर्क डन पर सेकेंड। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन पर सेकेंड। तो नीचे कितना वर्क डन पर सेकेंड हुआ, उतना P1 A1 V1, और ऊपर कितना हुआ, P2 into A2 into V2। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर डिफरेंस। क्लियर यहां तक। और A1 V1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, M बाय रो। A2 V2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, M बाय रो। तो आपके पास आंसर आ गया P1 माइनस P2 इंटू एम डिवाइडेड बाय रो। ठीक है यहां तक। तो प्रेशर ने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया ताकि लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक, प्रेशर ने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। इस प्रेशर के वर्क डन करने से P1 माइनस P2 इंटू एम बाय रो, दिस विल गिव राइज टू काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड में सीधा लिख दो हाफ एम v2 square minus half mv1 square। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड में हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये m का मतलब यहां पर क्या है, मास पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आया ही आया, साथ में पोटेंशियल में भी चेंज आया। कितना, m इंटू जी इंटू एच टू, एम इंटू जी इंटू H1। ठीक, यहां से ओपन कर लो, ओपन करके यहां से M M M M तो कैंसिल ही हो जाएगा। 1 1 वाली टर्म्स इस तरफ, P1 by rho plus G into H1 plus V1 by 2 P2 by rho G into H2 is a constant। तो ये इन जनरल क्या आगे, बर्नौलीज थ्योरम विच स्टेट्स दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर यहां तक। तो दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के बाद एफ्लक्स है और फिर टर्मिनल है। सरफेस टेंशन तो अभी हमने कर ही लिया, कल ही किया परसों, तो मुझे लगता नहीं सरफेस टेंशन की जरूरत है। सो दो एक्सप्रेशन है इसमें लास्ट, एक आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स और एक टर्मिनल वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं है। तो एफ्लक्स के अंदर आपको यह बताया गया है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के अंदर, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ये कंटेनर है और ये एक होल है, ये हाइट h है होल की और ये हाइट ग्राउंड से कितनी है h डैश, लिक्विड बाहर निकलेगा उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, लिक्विड जब बाहर निकलेगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो आपने इस इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड को कंसिडर करना है, आपने कोई भी दो पॉइंट लेने हैं, एक अंदर और एक बाहर, एक आपने ए पॉइंट लिया एक आपने बी पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट्स पर क्या लगानी है, बर्नौलीज थ्योरम। लिक्विड बाहर निकल रहा है
तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली पी वन बाय रो जी इंटू एच वन वी वन स्क्वायर बाय टू पी टू बाय रो जी इंटू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू। ए और बी पॉइंट पर बर्नौलीज लगाई। पोटेंशियल एनर्जीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल लाइन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी में वैसे भी डिफरेंस जीरो ही है, ठीक। और अंदर कंटेनर बड़ा है तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली अंदर जीरो है, तो वी वन की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो, और वी टू की जगह क्या पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। यहां पर ये हाइट एच है, तो ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी बाय रो इज इक्वल टू पी टू की जगह, पी टू क्योंकि बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेशर है, एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय रो एफ्लक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, तो पी एटमोस्फेरिक बाय रो प्लस एच इंटू जी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक बाय रो प्लस एफ्लक्स स्क्वायर बाय टू। इससे ये कैंसिल हो गया, तो एफ्लक्स की वेलोसिटी सॉल्व करने पे कितनी आ गई, रूट टू जी एच। बस बर्नौलीज लगाओ, सीधा रूट टू जी एच, ठीक है यहां तक क्लियर। और नेक्स्ट इसमें रेंज आती है, रेंज का मतलब कितनी दूर लिक्विड गिरेगा, प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। तो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर रेंज का फॉर्मूला, रेंज के लिए वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई एच डैश इज जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर, तो कितने टाइम में लिक्विड नीचे आएगा, इतने टाइम में लिक्विड नीचे आएगा। और एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी हमेशा प्रोजेक्टाइल की क्या होती है, कॉन्स्टेंट, तो यू कैन अप्लाई आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इंटू टी। तो रेंज आर इज इक्वल टू एफ्लक्स की वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ टू इंटू जी इंटू एच, और टाइम की जगह टू इंटू एच डैश बाई जी, तो यहां से आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दिस इज द रेंज ऑफ द लिक्विड, और रेंज मैक्सिमम तब होती है, याद रखना पड़ेगा, अगर होल कहां पर होगा, मिड पॉइंट पे होगा, एच मस्ट बी इक्वल टू एच डैश, ठीक। और लास्ट है, जो मैंने एक्स्ट्रा हैंड रिटन शीट दी है वो आपको करके जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में वो नहीं आती, दो डेंसिटीज हैं या इस टाइप का, वो कुछ नहीं है, हैंड रिटन शीट कभी भी उसमें नहीं आएगी स्कूल में, वो तभी अलग रखी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि वो करनी है कि नहीं करनी, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के ऑब्जेक्टिव हैं, दैट्स इट, ठीक। और लास्ट है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसके अंदर कोई लिक्विड अपने आप मोशन को ही क्या करता है, अपनी मोशन को अपोज करता है। लास्ट है, हो गया लास्ट टॉपिक रह गया यार, सारे उठे चले जाएंगे फिर तो यार, एक एक करके ठीक इकट्ठे छोड़ रहा हूँ, बस लास्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहली चीज, अगर दो लेयर्स हैं विस्कोसिटी के अंदर, दो लेयर्स में स्पीड का डिफरेंस होता है वी प्लस डी वी, और यहाँ पर वी, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस डी एक्स है और एरिया इस प्लेट का ए है, तो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में इमेजिन करते हैं कि मूव कर रही है, तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, प्रूफ तो है ही नहीं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कर लिया, ठीक। और सेकंड फॉर्मूला कि अगर मान लो कोई लिक्विड है और वो एक ट्यूब से बाहर निकल रहा है, और प्रेशर डिफरेंस पी वन एंड पी टू, पी वन माइनस पी टू की वैल्यू इसमें पी है, रेडियस आर है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज गिवन बाई पाई बाई एट पी इंटू आर फोर डिवाइडेड बाई ईटा टाइम्स L, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, या पॉइसलीज फॉर्मूला, पॉइसलीज फॉर्मूला। और लास्ट इस चैप्टर में ये है कि अगर एक स्फेयर को किसी विस्कस लिक्विड में घेरते हैं तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, जिसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी वेलोसिटी, इसको, इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स लॉ, स्ट्रोक्स लॉ, ठीक। और जब आप एक किसी भी स्फेयर को लिक्विड में रिलीज करते हो तो वो शुरू में क्या, क्योंकि अब जो एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं वो किसका है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, आर रेडियस का स्फेयर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, जीरो, और इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा यू, और इसका वेट कितना है, एम जे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी एक्वायर होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, एक ऐसा टाइम आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एफ बढ़ता जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स, और उस टाइम जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो मास का मतलब क्या है, 4 बाई थ्री पाई इंटू आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी
इसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी रो है और लिक्विड सिग्मा है, और अपथ्रस्ट का मतलब 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो अपथ्रस्ट में डेंसिटी हमेशा किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की, तो यहां पर क्या आएगा सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू वीटी। तो इसको रीअरेंज कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा 2/9 आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक,